Assalamualaikum. Welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन. और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर. और मैं हूँ आपकी होस्ट कानत काज़मी. माशाल्लाह इतने सारे एंकर, मुझे इतना अच्छा लगता है. यहाँ भी एंकर, यहाँ भी एंकर, यहाँ भी एंकर, यहाँ भी एंकर, और बीच में यहाँ पर पानी का टैंकर. Look who's talking when it comes to size. Exactly. जब साइज की बात हो रही है तो हम ही बात करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने फिट जो है. ये गलतफहमी. दिन ब दिन आपको होती जा रही है. खैर चले जी, अब न्यूज की बात करते हैं. सो क्या होने जा रहा है मुल्क में? बहुत कुछ होने जा रहे हैं मुल्क में और इसकी पेशिंग कोई करेंगे यूनस. मेरे पास तीन न्यूज है. तीन? मेरे पास भी बहुत अच्छी न्यूज है. थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी अवेयरनेस वाली और एक थोड़ी सी दुखी है. तो लेकिन आपकी सुबह का आगाज हम दुख भरे अंदाज से बिल्कुल नहीं करेंगे. सो जो भी दुखी चीज है हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे हम कुछ ऐसी बातें जिससे आपका इंटरेस्ट हम पकड़ के रखेंगे. पूरे एक नहीं बल्कि दो घंटे तक आपको कहीं जाने नहीं देंगे, टीवी के सामने बिठा के रखेंगे. और उससे थोड़ा सा बिल भी आपका ज्यादा आएगा और महंगाई वैसे इतनी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में आपको कोई रियायत नहीं, आपको हमारा शो देखना ही पड़ेगा. आप प्रमोट कर रही हैं उनको, डरा रही हैं. कहते हैं जब खूबसूरत लड़की किसी चीज की रिक्वेस्ट करे तो सामने वाला मजबूर हो ही जाता है. बेचारे लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मगर टीवी के सामने से बिल्कुल नहीं हटेंगे. और वो भी जब बात अनम की आए कि अनम आपसे रिक्वेस्ट करिए, तो भाई नो. अगर लड़कियों की बात हो रही है और खूबसूरत लड़की की एक दरख्वास्त को लेकर बात हो रही है, तो मैं एक बड़ी अजीब सी और एक अनहोनी सी बात शेयर करूंगी कि एक लेडी है एंड शी इज 83 ईयर ओल्ड, मतलब बिल्कुल ज़यीफ़ ही खातून है वो, और पोलैंड से उनका ताल्लुक है. उन्होंने यहाँ के लड़के से आदमी बोलूँगी ही इज़ लाइक 20+ और वो काम करते हैं किसी कोई नौकरी पेशा इंसान है. तो पोलैंड से वो औरत उनके मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई है और उनकी शादी की पिक्चर्स पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं. कि इस तरह के ये मौजज़े तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बेवकूफ़ी मैं अपनी नज़र में समझूँगी. पोलैंड से औरत आई है, वहां पे वो अच्छी भली सेटल थी और सेटल भी क्या, अपनी सारी तो उम्र गुजारी रही, लेकिन अब 83 इयर्स की वो हो चुकी है. हमारे यहाँ पे आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुका है या जो हमारी गजाइत को अगर मैं मद्देनजर रखते बात करूँ तो इंसान मैक्सिमम 50-60 तक ही अपनी जिंदगी गुजारता है. अरे मेरा एक सवाल है आपसे कि जो खातून है उनको तो मोहब्बत हुई, और जो हमारे हजरात थे, मर्द हजरात हैं जो यहाँ पे, उनको क्या हुआ? उन्होंने तो सिर्फ पैसा देखा होगा. औरत मोहब्बत देख रही है, मर्द पैसा देख रहा है. नहीं, लेकिन मतलब 83 की एज में अब उन्होंने आगे ही जाना है. उन्होंने मतलब ये तो नहीं कि वो यंग हो जाएंगे, नहीं आएंगे ना. ऑब्वियसली ये केस जो है, जो अनम बता रही है, क्योंकि ये मैंने भी सुना है और बाकायदा इसको पढ़ा है. और खातून का ये बेसिकली एक निजी चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, जहाँ से ये थोड़ा वायरल हुआ एपिसोड. यासिर शामी का मैं नाम ले लेती हूँ, आई थिंक नाम लेने में कोई बुराई नहीं है. हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्हीं के शो में इस तरह की चीज़ें होती हैं, दुनिया को पता चलता है. इसमें कोई बुराई नहीं है. देखिए ये शरई तौर पे भी आप जायज है, आप नहीं, कर नहीं, सकते मैं बुराई हैं. नहीं, आपने पैसे की बात की तो नहीं, मैं मजाक, चलो हम पैसे नहीं, पीआर की बात करते हैं. लेकिन आपने मजाक में की ना, तो बहुत सारे जो अच्छा. लोग हैं वो भी ऐसा सोचते होंगे, तो मैं उन्हें क्लियर करने के लिए बात कर रही हूँ, अगर आपकी इजाजत है. नहीं नहीं, मतलब इसको हम मजाक में तो ले सकते हैं ना, कि भाई उन्होंने 83 की एज में उन्होंने तो मोहब्बत अपनी जाहिर की, 28 की जो एज थी, मतलब मजाक हो या सच्चाई, मैं उस वे में बात नहीं कर रही, क्योंकि काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि ये जो है जिस मर्द ने शादी की उसने पैसे के लिए की. तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ही बोला, यासिर शामी ने खुद सवाल पूछा, तो उन्होंने इंटरव्यू में ही कहा कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ और ना ही मुझे कोई ग्रीन पासपोर्ट की या ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है. जब आपको किसी से कनेक्शन आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की नेचर से या इस इंसान के बिहेवियर से इतना अट्रैक्ट होते हैं, तो अब शादी शादी वही चीज़ है ना, कि दो लोग राजी हैं तो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा. मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, भाई बहन वाला रिश्ता क्यों नहीं बना लेते लोग यार. बहन भाई, कम ऑन यार, आप खुदा को माने, सना अल्लाह, व्हाट्स हैपनिंग विद यू. देखें, लड़का इज अराउंड 30 एंड द वुमन इज अराउंड 80. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में लड़कियों की कमी नहीं है, और अगर उसने शादी की है, और क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक वो है, प्यार मोहब्बत अंधी है और वो हो जाए, जिस वो है ना दिला है, मैं नहीं बोल रहा, आप ना बोले तो अच्छे. मैं इसके साथ ही अपनी दूसरी बहुत ही मजेदार न्यूज़, लेट मी फिनिश, खुदा को माने यार, मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए. यू आर ट्राइंग टू हिट ना.
हिट हॉर्न हू ओके कंटिन्यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू से के प्यार अंधा होता है लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा एक नॉर्म्स बने हुए हैं ऐसी एक हमारा माइंडसेट है कि एक बंदा जो इतनी उम्र जो बड़ी है उसे शादी करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है exactly. लेकिन अगर वो यहाँ रह रही है तो ठीक है अगर उसके साथ अगर कुछ टाइम बाद वहाँ चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी हो सकती है बिकॉज एक 30 साल का और अच्छा कमाता है तो उसको क्या रिश्तों की कमी होगी यहाँ पे उसके 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 कोई मंगेतर या कोई रिलेशन नहीं हो सकता था। नाउ द पॉइंट इज जो मैं आपको न्यूज देने वाली हूँ वो सुन के आप जरूर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे। कहा जाता है कि औरत को देख के मर्द उसके पीछे जाता है और अकेली औरत को ज्यादा वल्नरेबल होती है उसको बहुत आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। अब एक औरत है जो कि हमारी अपने मैं पाकिस्तान की बात करूँ और कराची शहर की अगर बात करूँ तो एक बाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें एक खातून जो है अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं जो भी मतलब जैसे मेल हजरात करते हैं वो भी किसी मर्द हजरात से कम नहीं है मतलब वो राइड दे रही है सबको जी मतलब जिस तरह के ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया या कोई आपने सामान आगे पीछे डिलीवर सवारी राइडर है बेसिकली हाँ राइडर समझ लें लेकिन वो फीमेल लेडी हैं अब उनकी क्या हिम्मत है क्या बहादुरी है सलाम है उनके उस जज्बे को कि वो ना दिन देखती है ना रात देखती है ना धूप देखती है ना छाव देखती है वो जाती हैं और उनको जो अपना काम करना है डिलीवर करना है सामान या किसी को पहुँचाना है कहीं से तो वो उनका वो काम कर रही है लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जो मैंने ये न्यूज़ आपसे शेयर करने का मुझे थॉट प्रोसेस आया वो ये है कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन पे कोई जो आदमी सुनते हैं कि आगे से ये लड़की की आवाज़ है क्योंकि ये थोड़ी अनयूजुअल सी बात है लड़कियाँ इस तरह की सर्विसेज मतलब इस तरह के बिजनेस या प्रोफेशंस में बहुत कम आती हैं क्योंकि हमारे कल्चर में भी ऐसा है कि चलो आप कोई इनडोर तो जॉब कर लें आउटडोर थोड़ा सा रिस्की होता है तो जब वो कहती हैं कि आगे से किसी मर्द की आवाज़ वो सुन मर्द अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि कोई मर्द सुनते हैं मेरी आवाज़ के आगे से कोई औरत है तो वो फ़ोन ही काट देते हैं बजाय इसके कि वो उनका बोले कि हाँ हाँ हमारे जैसे हमारे यहाँ के लोग करते हैं ना कि लड़की है तो हाँ ये नहीं ये भी कर दो वहाँ तक ले जाओ ये करो ज़्यादा यू नो इनका इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ठीक है मैं मानती हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं लेकिन ये जो उन्होंने सोसाइटी का अच्छा वाला साइड हाईलाइट किया है ना कि यहाँ पे ऐसे मर्द भी हैं कि अकेली औरत को देख के नहीं ट्रैप करने की कोशिश करते तो मैं इसके उस उन अच्छे मर्दों के लिए और उन माओं ने जितने जो अपने बेटों की तरबियत की है इस तरीके से उनके लिए मैं बहुत सारी तालियाँ बजाना चाहूँगी तालियाँ इज़ नथिंग क्योंकि आपकी तरबियत जो है वो बताती है कि वैसे कोई भी बेटी हो या कोई भी बेटा हो तो वो जब भी कोई करता है ना तो पहला आता है कि माँ ने नहीं सिखाया होगा माँ ने अच्छे से एक थप्पड़ लगाया होता ना तो ये ना करता या माँ की तरबियत ख़राब होगी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा लड़का देखते हैं तो बोलते हैं वाह किस घर से ताल्लुक होगा मुझे क्या इसकी एक चीज़ पूछनी है आपसे आप ये कह रही हैं कि वो जो औरत उन्होंने कहा कि तब उनकी आवाज़ सुनती हैं तो जो मर्द हैं हजरात वो तब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो राइड कैंसिल कर देते हैं जी वो उनसे मजीद फर्दर कोई काम लेने तो फिर ये तो गलत है ना उनका नुकसान हो रहा है औरत का तो लेकिन आप तालियां बजा रही हैं औरत औरत का कंफर्ट जोन ज्यादा होता होगा तो औरत से तो उनका वो तो चला देखे एक चीज पॉइंट अगर आप फिनिश कर लूं मैं अपनी बात मैं आपकी बात पर लिंक करना चाहता हूं चलें आप लिंक कर दें मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूं कि इन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है मुझे जितना लगता है ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आपका ऐसा मतलब चले मर्दों के लिए अच्छी बात है जो हम मर्दों के बारे में बात करें लेकिन ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी मर्दों के दिमाग में औरत की वो इमेज सेट है कि कोई भी मतलब वो औरत की आवाज़ सुन रहा है और वो काट रहा है ताकि अगर मैं इसके साथ गया तो कहीं खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए मुझ पर कोई हैरेसमेंट का केस ना हो या कोई ख़वातीन जो है वो आकर मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाए मतलब ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आपने पाकिस्तान के अंदर औरत की वो इमेज सेट कर दी है कि अब मर्द आपसे डर रहे हैं लेकिन सना जो आनम की बात से मैं रिलेट कर पाई हूँ ये नहीं होगा कि सारे मर्द ऐसे देखिए रात के टाइम पे भी राइडर को आप हाइड करते हो लाइक फॉर एग्जांपल आपने राइडर से कहा कि मुझे ये डिलीवरी चाहिए क्योंकि उनका टाइम तो नहीं होगा ना वो रात दिन जब एक खातून मेहनत कर रही हो और आजकल जो महंगाई भी चल रही है तो उसकी वजह से अगर रात के टाइम पे कोई लोग अक्सर उनको कॉल करते होंगे फॉर राइड कि हमें ये चाहिए हमें ये डिलीवरी तो वो उस गुड वे में बोलना चाह रही होंगी कि काफ़ी हजरात वो देखते होंगे कि जब दूर से कहीं से सामान लाना होता होगा तो वो मना कर देते होंगे या कॉल कट कट कर देते होंगे और नहीं उनको भेजते होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे खातून जो बाइक ट्रांसपोर्ट जो है खातून राइड पर जाती हैं लेकिन वो बाकायदा पूछती हैं कि सर आपको कहाँ जाना है या लड़कियों से भी पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है और अगर वो कहना है कि हमें इस एरिया में जाना है इस एरिया में जाना है देखिए अगेन कराची में इस टाइम कंडीशन अच्छी है कि हमें उस तरह के हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं लेकिन अगेन जगह अकेली अकेली औरत को कहीं पर कोई आदमी
कंफर्टेबल नहीं होगा भेजने को, तो शायद इस वजह से. ऐसा तो नहीं है कि सारे कैंसिल. हमारी प्रॉब्लम ये यूनुस के, अभी मैंने ये बात शेयर की अपने देखने वालों से, आप लोगों से, तो इसमें भी हम अच्छा नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ पे ऐसे मर्द भी हैं जो लड़की को देख के छिछोरेबाजी नहीं करते हैं. मैं बता रही हूँ, मेरे साथ चार दिन पहले हुआ है. मैं एक जहाँ से गुजर रही थी, एक दुकान थी, कोई करियाना की दुकान थी, तो दो लड़के गुजरते, उन्होंने कुछ नहीं लेना, मुझे देख के खाम खा पूछ रहे हैं कि भाई बर्फ कितने की है. तो मुझे वो चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल लगी. एक औरत की डिसग्रेसफुल हरकत है कि आपको कुछ नहीं लेना, लड़की देख के फौरन रुक गए लड़की को ताड़ने के लिए. लेकिन ऐसे भी लोग हैं, तो मैं आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ऐसे ही तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करना है. ये जो बैरियर्स हैं कि औरत ऐसी है, नहीं, औरत आगे आ रही है, काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मुझे थोड़ी अलग सी न्यूज़ मिली. आई वांट टू से कि देखें, कुछ मर्द हजरात जो राइडर्स हैं, वो अगर सुनते हैं किसी की आवाज़ लड़की की जिसमें उसको सवारी है या ट्रांसपोर्ट करना है उस लड़की का, तो वो राइड कैंसिल कर देते, वो भी गलत है. एंड सेम गोज हेयर, बिकॉज अगर लंबा सफर है तो उस लड़की को ज्यादा पैसे बचेंगे. जो राइडर है, फीमेल राइडर है, उसको ज्यादा पैसे बचेंगे. और ट्रांसपोर्ट जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है उस पर कम होते हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मैन की, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, एक फीमेल राइडर ने अपनी ऐप खोली, मेल ने उनको किया ओके, और फिर उनके साथ जो ट्रैवल करने पे उस पे ज्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू गुड्स की ट्रांसपोर्ट पे. हकीकत बात है. और यहाँ पर जो है वो ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन ब्रेक भी जरूरी होता है. आखिरी एक ही चीज़ कहूँगी, वो ये है कि अब वक्त है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ में तब्दीली आ गई, अपनी सोच में तब्दीली लाए. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहे. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. अगेन, हम में से कोई भी किसी की कंडीशन या किसी के हालात नहीं समझ सकता जब तक हम खुद उन हालात में ना हो. बात करना बहुत आसान है कैमरा पे. मैं कहीं ना कहीं देखिए हमारी अपनी जॉब को भी समझती हूँ कि कभी ना कभी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, लेकिन पीछे पूरा एक सिनेरियो होता है. अभी आज जो एक बात है, जहाँ मैंने पढ़ी है, एक फॉरवर्ड टेक्स्ट पे थी, तो जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे जो बात क्लिक करती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एज फैमिली कह लें, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली है. अगर किसी भी बात को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं, या आपकी एक नेगेटिव सोच, देखिए हर इंसान में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स पे मैं बिलीव करती हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन अगर वो सोच बदल जाए हमारी किसी बात से, या कोई ऐसा हमारा अमल है जो हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करें, तो यही सबसे बेस्ट है. आज मैंने एक, जैसे कि बताया कि फॉरवर्ड टेक्स्ट में एक चीज़ मुझे थोड़ा क्लिक हुआ, और मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए. बात आप लोग लाइटर मोड पे भी ले सकते हैं, डजंट मीन दैट कि ये बात इतनी सीरियस है, तो हम सिर्फ सीरियस वे में करें. क्योंकि यूनुस भी हैं, अनम भी हैं, हम सब अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो कभी कभी हम लोग आपके मूड के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी लाइटर मोड पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं. उससे हमें ये होता है कि हमें कोई जज ना करे, लेकिन हम बता देते हैं कि वो आप लोगों के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे आप इसी तरह की चीज़ें जो है लाइटर मोड पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है. तो वो मैसेज ये था कि दूसरों को हकीर और ख़ुद को आला समझना क्या बेवकूफ़ी है या जहालत. तो ये चीज़ें हम अक्सर बात करते हैं ना पाकिस्तान की, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी दुनिया की बात है, पूरी दुनिया की. और अगर आप जाएँ तो कदीमी दौर पे भी आप जा सकते हैं, जो पुराना दौर था उस पे भी जा सकते हैं, न्यू दौर में भी जा सकते हैं. हमारे कभी कभी इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, तो वहाँ पर लोग आपको जज करते हैं, और जब वो चेयर पर बैठे होते हैं, प्राउड मोमेंट में सबकी बात नहीं करी, कुछ लोगों की बात करी, तो वो चेयर पर बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये इंसान जो आया है यहाँ पे इंटरव्यू देने, ये कुछ नहीं, चाहे उसके अंदर कितने अच्छे स्किल्स हों, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कि तुमने रास्ते में आते हुए सीढ़ियाँ गिनी, ये गिनी. काफी मैंने इंटरव्यूज भी ऐसे देखे, काफी इंटरव्यूज देखे, किसी को डिग्रेड करना या किसी को कमतर समझना या कीर समझना. तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब जो इस तरह के लोग किसी पोस्ट पे बैठे होते हैं, या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे लोग टकरते हैं कि वो आपको बोलते हैं नहीं नहीं तुमने ये सही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए था. वो कहीं ना कहीं एक समझाने का तरीका नहीं होता, वो होता है कि आई एम द बेस्ट एंड यू डोंट एक्चुअली यू डोंट नो एनीथिंग एंड आई एम द बेस्ट. और जो मैं कह रहा हूँ वही है. मतलब मैं अगर इन्हें कन्विंस करना चाहती हूँ कि मेरी जो सोच है अभी भी, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ से डिसहार्ट हुए, और कुछ लोगों ने जो है अपने आप को लूज़र समझ के सुसाइड किया. तो वो जो चीज़ें हैं, अब मैं वो लाइटर मोड पे चाह रही हूँ कि लाइटर मोड पे ही हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें. आप इतना जो बना लेते हैं ना अपने माइंड पे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जो बिज़नेस खोलूँ ज़ीरो हो जाता है, मैं जहाँ हाथ डालूँ मैं इतना मनूस हूँ, मैं मतलब आप खुद को, लोग आपको कहते हैं कि आप हकीर हैं और आप समझ लेते हैं. हकीकत बात है जी, हकीकत है जी. मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ सबसे पहले. देखें, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ डू यू से इट.
आपका लहजा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू आप क्या कह रहे हैं। मैं पानी मंगा सकता हूँ, प्लीज़ पानी ला दो, और प्लीज़ पानी ला दो, दिस इज़ डिफरेंस विद द टोन। ठीक है सना, गौर से सुनिए। और अगर किसी की आवाज ही ऐसी हो, आवाज में भरम हो, ये भी बड़ी बात है, लोग यूं ही समझ लेते हैं बेवजह। नहीं नहीं, लहजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, एक चीज, हम एज अ मुस्लिम, ये हमारा फेथ कमजोर है, हमारा ईमान का जो एक लेवल है ना, बहुत इतना स्ट्रांग नहीं है। रीजन ये है कि हम जो इंसानी खुदा बने हुए हैं यहाँ पे इस दुनिया में, इस मुल्क में, हम लोग उनसे मांगते हैं। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, आपके नसीब में जो है वो मिलना है, वक्त से पहले नहीं मिलना ऑब्वियसली, लेकिन जो आपके आपके वो एक सेइंग भी है बड़ी अच्छी कि हाथ से तो ले जाएगा, नसीब से कैसे लेके जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका फेथ कमज़ोर है तो आपको ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है कि उसी ने इज्जत देनी है और उसी ने जिल्लत देनी है, उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। यूनुस, आपने बहुत अच्छी बात की और इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि नॉर्मली इंसान अगर बहुत दुखी होता है या परेशानियों में होता है तो वो क्या करता है, नमाज पढ़ना स्टार्ट करता है। अगर किसी ने कन्वेंस कर दिया है उसको तो वो नमाज पढ़ना स्टार्ट करता है, हफ्ता पढ़ता है, एक महीना पढ़ता है, उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तो मेरी सुन ही नहीं रहे। ठीक है, वो क्या करते हैं बुरे कामों में, फिर से वो अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं। ये मैंने देखा है लोगों में, मैंने चीज नोट की है, वो अपना तवक्कल 100% नहीं रखते कि अपनी पूरी जो है वो, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करते अल्लाह ताला पे। आप कहते हो कि नहीं बस मैंने नमाज पढ़ ली है, दिल आपका कहीं और चल रहा होता है, दिमाग आपका कहीं और चल रहा होता है, बट आप नमाजें अपने सिर्फ फर्ज अदा कर रहे होते हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं बात ऐड कर दूँ फिर आप कंटिन्यू कर देगा। मैंने बहुत दफ़ा शायद पहले भी ये बोला है कि एनर्जी मैच होनी चाहिए आपकी विद गॉड। एग्जैक्टली, मैं आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें वो आपका और अल्लाह का मामला, मेरा नहीं है। आप बात करें अल्लाह से, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप तो बात करें और फील होगा कनेक्ट होगी एनर्जी आपकी, और ऊपर लग रहा है कि कनेक्ट होगी बात और आपकी बात पहुंच जाएगी। नमाज पढ़ना तो फर्ज है, जो नहीं पढ़ रहे वो उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने दिन में और अल्लाह से बात करें। आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप अपनी बात करेंगे सच्चे दिल से, वो पहुंचेगी और वो होगी। बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन अगेन आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, अनम और सना का, क्योंकि हम ये बातें करते हैं, अगेन कहना बहुत आसान है, लेकिन एक नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने भी किसी को डिग्रेड किया है, लेकिन बहुत फेमस इंसान है और यूट्यूब के लिए काम करते हैं, और उन्होंने अपनी शादी में एक बोर्ड लिखा हुआ था कि ड्राइवर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स आर नॉट अलाउड। मतलब मेरी शादी में ड्राइवर्स और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अलाउ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद पोर्ट्रे करते हैं कि ये हकीर है और मैं आला हूँ। मैं इस बात पर एक चीज ऐड करूंगी, वो ये है कि हजरत अली जो है उनका भी, मौला अली अलैहिस्सलाम का भी ये कॉल है, वो ये है कि कोई भी महफिल उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उस महफिल के अंदर एक एक फर्द बराबर का ना शरीक हो, चाहे वो आपके घर का मेड हो, चाहे वो कोई आला बादशाह हो, जब तक उस महफिल में बराबरी की नहीं होगी ना वो उनकी उनका दर्जा, तब तक जो है वो महफिल कामयाब नहीं होगी। लेकिन मैं जो अपना अब पॉइंट ऑफ व्यू दूँ वो ये है कि मेरे साथ पर्सनली ये खुद एक्सपीरियंस हुआ है, जिस तरह कायनात, मुझे पता है कायनात जो कहना चाह रही है लेकिन वो नहीं कह पा रही। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम जो है वो यूं ही पर्ची सिस्टम की तरह आ गए हैं या हमारी कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, हर इंसान की होती है। स्पेशल ये है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अच्छा। वो ये है कि सुबह 10 बजे के टाइम पर जब मुझे एक ऑडिशन के लिए कॉल आई और जब मुझे बुलाया गया तो उस वक्त एक नया चैनल था जो लॉन्च हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जब मैं सुबह 10 बजे गई तो एक बहुत लंबी कतार वहाँ पर लगी थी, बहुत सारे लोग थे जो ऑडिशन देने आए थे। मुझे बुलाया गया था कि जी आप प्रोग्राम होस्ट के लिए ऑडिशन दे दें, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे हमेशा होता है कि जो कैटेगरी होती है उसी के लिहाज से ऑडिशन होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नया चैनल खुल रहा था तो वहाँ पर जो पूरा स्टाफ होता है उसके भी ऑडिशन उसी वक्त, इंटरव्यूज उसी दिन थे, और इसके अलावा जो एंकर्स थे उनके भी ऑडिशन थे, जो प्रोग्राम होस्ट थे उनके भी, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो मैं सुबह 10 बजे गई, वहां पर जाने के बाद रात को 12 बजे तक बिना खाए पिए, बिना एक कप चाय के मैं वहां पर बैठी थी। कोई वॉशरूम नहीं था, कोई कुछ पूछने वाला नहीं था कि आपको पानी
मैं बता नहीं सकती, बहुत बड़ा हमारे कराची में ही बहुत बड़ा एक चैनल है, वहाँ पे पानी नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं इतना अच्छा, एक होता है जब आप वेट करते हो ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा होते हो, और जब आपको आपकी बेसिक नीड ना मिले, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे मेरा ऐसा हाल था कि मैं बेहोश होने वाली थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पर गई और बॉस के सामने बैठी थी, आपको पता है मैंने पहला लफ्ज़ क्या बोला? मैंने पहला लफ्ज़ कहा, मैं वहाँ बैठी, उन्होंने कहा कि आप, हालांकि उनके पास मेरी सीवी थी, मेरी जो वीडियोस हैं वो है, मैं कोई ऐसी बंदी नहीं थी जो अननोन हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा, मैडम आपका नाम क्या है? मैंने ये कहा, सर पानी। तो वो बॉस मुझे, जो ऑनर थे चैनल के, वो यूँ देख रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन से उनके ग्लास रखा था पानी, बॉटल में उन्होंने मुझे ग्लास दिया पानी का, एंड देन मैंने वो पानी पिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका नाम बताएं, तो मैंने उनको अपना नाम बताया, हर चीज़ बताई। लास्ट में मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इतनी सैलरी दे रहे हैं। मैंने कहा, सॉरी बट आई डोंट नीड इट, मुझे अब ये जॉब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, सीरियसली आपको ये जॉब क्यों नहीं चाहिए? तो मैंने कहा, बिकॉज जहां पर आपकी इज्जत ना हो ऑडिशन के लिए, जहां पर आपकी इज्जत ना हो वहां मुझे काम नहीं करना। हॉस्पिटैलिटी, ये मैंने उनको उसी वक्त कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने करियर के साथ खेल रही है, हमारे पास चार चैनल है जो हमारे अंडर में आते हैं, आप किसी भी चैनल में काम नहीं कर सकेगी। मैंने आगे से कहा, सर आप करें जो आपने करना है, मैं वो करूंगी जो मेरा खुदा चाहेगा। और मैं वहां से चली गई। सना के लिए तालियां, शाबाश। लेकिन वो वक्त था जब मैंने एक चीज भी, मैं रोई गाड़ी में बैठी, मैंने रोया इस चीज पर कि लोग किस तरह से इस दुनिया के अंदर इस तरह होते हैं कि वो खुदा बन जाते हैं, और उनको ऐसा फील होता है कि हम, अगर हमारे पास ये है या मेरे पास कोई पोजीशन है, आपको नीड है, आप आए, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। ये बहुत बड़ी चीज है जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी मेरे तमाम को होस्ट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने ख्यालात का तबादला किया इस टॉपिक पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें आप जितना लंबा करें, आप बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन क्योंकि आप सब, हमारे एक ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं, बहुत ही मुख्तसर सी दो अल्फाज में इस टॉपिक को मैं समअप करूँगी और ये कहूँगी कि उसी मिट्टी से बने हो तुम और उसी मिट्टी से बने हैं हम। उसी मिट्टी से बने हो तुम और उसी मिट्टी से बने हैं हम, तो क्यों खास हुए तुम और क्यों खाक हुए हम। वाह 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 अनम वाह, क्या बात की आपने, क्या वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। इतना तंजिया बोलते हैं बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं, लहजा लहजा लहजा, इट्स वेरी आई एम बीइंग फॉन्ड ऑफ यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और इसी बात पे हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद एक्टर जो हमें मोनोलॉग सुनाएगा, माशा सा सीन करेगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे स्टूडियो में ना कि सिर्फ एक एक्टर है बल्कि हमारे गेस्ट भी हैं। 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड में, थिएटर टेलीविजन, उनके बहुत सारे ड्रामा हिट हुए हैं, फरेब, साया, तमाशा, भूल, अदाकार। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू मजहर अली। सर कैसे हैं आप? A1 आपके सामने हूँ। बिल्कुल आप A1 लग रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगा आपका A1 आपके सामने हो। Yes. So, क्या हो रहा है आजकल? आजकल फ्री एंजॉय हो रहा है। एंजॉय हो रहा है, वैसे जरूरी है, पता है जिंदगी में एंजॉयमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। इतना मसरूफ होकर ना आप बूढ़े हो जाते हो बिल्कुल। लेकिन आप एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं डांस करता हूँ, घूमने फिरने चले जाता हूँ दोस्तों के साथ बस। सर एक्टिंग, एक्टिंग आपका फोटे है, एक्टिंग कब आपने स्टार्ट की और क्यों की? एक्टिंग मैंने 2011 में, मैंने पहला जो ड्रामा किया था, सेकंड लीड मैंने किया था भूल, ठीक है, उनके था PTV के लिए, और रोब खालिद साहब जो कि उस बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, उनका लास्ट ये ड्रामा था। तो उसके बाद फिर मैंने वो ड्रामा किया, उसके बाद फिर मैंने ड्रामा छोड़ दिया, फिर मैं स्टडी करने लग गया, ठीक है, मास्टर किया और फिर दोबारा स्पीड में आ गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपकी, हाँ। माशाल्लाह से हाइट बहुत लंबी, आपने मॉडलिंग में भी आपने ट्राई किया या फिर आपने फेस है ना, ये इतना अच्छा नहीं है? नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह इतने हैंडसम है आप। एग्जैक्टली, हाँ मुझे पता है, एक्टर तो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने फेस को लेकर, अपने आप को लेकर। देखिए एक्टिंग तो आप हर एज में कर सकते हैं, एक्टिंग के लिए आपके अंदर से आए, जो फेस, जो मॉडलिंग होती है उसके आपका फेस चाहिए होता है, ठीक है ना? नहीं नहीं, फेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, मतलब आपकी बच्चे में फिट हो, एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छे हैं आप माशाल्लाह से, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया आपने मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई किया। आई मीन
बस आज के बाद जाइएगा। बस मेरा दिन नहीं चाह क्योंकि एक्टिंग जो है ना ये देर पा मेरा दिन नहीं चाह। अच्छा सर मोनोलॉग हो जाए कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखिए हाँ मुझे याद है कोई मोनोलॉग याद नहीं है। हाँ ड्रामास की जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर किसी सर ये हमारे लिए ऑडियंस किस तरह की आपको दिखाया मतलब ट्रेजेडी हो फनी हो या मतलब सिंपल हो। हमें फनी देखिए सर फनी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फनी बहुत अच्छी करते होंगे। फनी भी अच्छा करता हूँ और ट्रेजेडी बहुत अच्छा करता हूँ। ओह बेस्ट तो ठीक है फिर दोनों करके दिखाओ। दोनों करके वाह ओके तालियां होनी चाहिए। मैं पहले आपको दुखी के नाम बनाता हूँ। सलाम पाजी गूंगे हो सलाम का जवाब भी नहीं देते लगते छट गई ला सूटा ला सूटा लाएगा ना बहुत ही याद नहीं आएगी मुझे देख आपके सामने हो मेरे वाली मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई देख मेरा क्या हाल हो गया सही लोग का क्या हाल हो गया हीर मर गई रांझा मर गया सोनी मर गई महिवाल मर गया मोहब्बत करने वाले सारे मर गए सही लोग का सारे मर गए पर मोहब्बत नहीं मरी मोहब्बत तो वेलने में आई हुई बाँ है सज्जी कर लो खब्बी डाल दो सही लोग का। Beautiful, beautiful, sir. Very nice. अच्छा सर मैं आपसे क्योंकि आप इतने सीनियर हैं माशाल्लाह हम कोई नहीं होते हैं आपको ये भी कहने वाले सर कितना अच्छा किया आपका वो ना हमारा वो लेवल ही नहीं है कि हम आपको ये भी कह सकें सर कितना अच्छा किया बिकॉज हमें कुछ नहीं पता एक्टिंग के हवाले से जितनी ज़बरदस्त एक्टिंग आपने की है और दो मिनट में एक टेम्पो बनाना कि आपने सैड एक्टिंग करनी है वो फील करना जज्बात सर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप आपने बताया आप जो है वो फनी भी करते हैं कॉमेडी करते हैं कभी ऐसा हुआ है कि हमारा जो एक्टर होता है मुझे लगता है सबसे अच्छा आर्ट है कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना कभी ऐसा हुआ आपके साथ आप बहुत हर्ट है अंदर से बहुत ज़्यादा लेकिन आपने वो सीन जो है वो फ़नी करना है तो वो किस तरह से फिर करते हैं बस फिर अपने थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करते हैं ठीक है ना वो सारी चीज़ें बुला के फिर जाते हैं क्योंकि कहते हैं कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है सो हो जाती है कहना तो आपसे भी मैं पूछूंगी किस तरह होती है वो नहीं पहले तो मैं सर के बारे में एक बात कहना चाहूँगी सर मैं बीइंग अ आर्टिस्ट लाइक जब आपके पास प्रॉप नहीं होता क्योंकि आपने वो जो साइन दिखाया था आपने तो पहले तो मैं उस चीज़ के लिए लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू क्योंकि वो चीज़ ना होना और दूसरे को ये रियलाइज़ करवाना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अक्सर लोग कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जब आपने फर्स्ट हाथ यूँ किया तो मैंने कहा ये क्यों किया आपने बट एक समझ एक साइकी है ना आपको समझना पड़ता है एक्टिंग क्या एक्शन का रिएक्शन राइट तो आपने जब वो दोबारा किया तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है आप उसको बेसिकली बता रहे हैं अपने कैरेक्टर को समझा रहे हैं लेकिन आप खुद वही चीज़ कर रहे हैं कि देखो मेरी भी चली गई मोहब्बत पे आपने बहुत खूबसूरत बात की लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ आर्टिस्ट आपने अभी कहा कि मैं भी फ्री हूँ इन्जॉय कर रहा हूँ एंड ऑल लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आर्टिस्ट को अपनी जो एक्टिंग है ना उससे बहुत प्यार होता है अगर वो फ्री भी होता है ना तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैं ये वाला कैरेक्टर प्ले करूँ आप मुझे पता है अभी हम पांच लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल आपको एक कैरेक्टर मिले कि आपने एंकर बनना है होस्ट बनना है और आपने होस्टिंग तो आप बहुत अच्छा करेंगे तो मुझे लग रहा है आप फ्री नहीं है आप अभी भी अपना काम कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे देखिए मैं हूँ बेसिक लाहौर से जी तो वहाँ तो भी काम बहुत ईजी ऐसे मिलता था अब नए शहर में आके मुझे यहाँ पे जो मतलब जो मैंने पहले ड्रामा यहाँ पे आके किया फ्रेप किया सी प्ले टीवी का किया और उसके लिए स्पेशल मुझे लाहौर से लाए वो जैसे आतिफ अली थे वो लाए और अच्छा मतलब मुझे बजट भी अच्छा था और तब मेरा एज़ा वो मतलब कि बहुत अच्छा एज एज सेकेंड थर्ड लीड था वो मैंने उसमें मैंने एक ख्वाजा सरा का करेक्टर किया नवाब दीपिका का ना तो वहाँ से मतलब कराची में एक अच्छी जान पहचान बनी उसके बाद फिर मैंने उनका एक और किया मिरास आया उसमें हॉरर था वो सारा मतलब जिन मतलब इस तरह से था तो बस फिर लगे हुए हैं एआरवाई के साथ कुछ मैं काम कर रहा हूँ मतलब इस तरह से और लेने माशाल्लाह से आपको मौका दिया हाँ प्ले किया अभी इनका लास्ट मैंने एक सीरीज किया किस्मत तमाशा किस्मत का है ना वो मैंने उनका किया अब देखिए आगे क्या होता है काम मिलता भी है कि नहीं आपको बचपन से शौक था एक्टिंग की हाँ यस अगर आप पूछ रही हैं बेसिक मेरी कज़न है साया खान जो पुरानी ड्रामा जो फिल्म एक्टर है अब तो खैर छोड़ चुकी है वो
जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, मतलब चौथी पांचवी क्लास में था, तो मैं उसके ड्रामा देखता था, तो मुझे वहाँ से शौक हो कि नहीं मुझे जाना चाहिए इस फील्ड में ना। तो देन है ना, मैंने उससे कहा, वो मुझे ले गई बस। उसने ज़्यादा मुझे ना कि पापड़ नहीं बेलने पड़े, और वो तब उसने एक कहा कि ठीक है मज़र आज मैं तुम्हें ले जाती हूँ। सो वो ले गई, उसने राहुल खालिद साहब से मेरी मतलब बात करवाई, उसने मुझे रख लिया करेक्टर। तो वो एज अ सेकेंड लीड मैंने किया था, वो भी है ना, मैं सबा कमर में उसमें प्लेयर था, हाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं आप पहले पढ़ो स्टडी करो, तब मैं मतलब कि वो था। अच्छा, एक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है सर? लगन, जुनून। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एक और सिचुएशन पे जो है वो एक्टिंग करवाई जाए, और यूनुस आप करना चाहेंगे इनके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। कुछ यूनुस ना भी करेंगे ना, तब भी हम यूनुस को ही करवाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और माशाल्लाह आप करें आज, मजा आ जाए। ठीक है, आप करें। माशाल्लाह से कायनात ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, आई मीन फिरनम ने की थी बहुत अच्छी, उसकी दादी का कैरेक्टर। So, आज जो है सना के साथ होनी चाहिए आज। आज होनी चाहिए आज सना के साथ। हाँ। सर, जैसे सीन ये है कि आप चोर हैं और ये भी चोर है, आपका जो दोस्त है वो चोरी के लिए पहुंचा नहीं, और आप उसको फोन पे जो है सुना बातें सुना रहे हो, और आपकी कॉल चल रही है कि तुम अभी तक आए नहीं और हमें चोरी करने जाना है और घर खाली है। ठीक है, घर के अंदर एक प्यारी सी लड़की है, वो सो रही है। ठीक है, घर के अंदर एक प्यारी सी लड़की। अपनी इमेजिनेशन कहाँ से आ रही है? आप पीले जाएगी ना, चाहते हैं सिचुएशन, ये चाहते हैं कि मैं पीले जाएगी ना, आप चोरी है ना, हमें चोरी है, मोटिवेशन आ रही है ना लड़की की, चले लड़की चोरी है प्यारी सी। हाँ, ट्राइंग। हाँ, मैं फोन निकाल लेता हूँ फिर ना। ठीक है जी जी, हाँ वो तो आप ड्रॉप तो यूज करें। हाँ, हेलो। अरे जवेद कहाँ रह गया यार? अभी हमारे साथ वाला घर है ना, बिल्कुल खाली है, जल्दी आज चोरी लगाते हैं। ओ, सच बोल रहे? हाँ ना यार, अभी मेरे सामने गए हैं वो लोग। तुझे कैसे पता बिल्कुल खाली, तू अंदर गया कि वो बाहर आए? अरे क्या बताऊँ, मेरे बराबर में रहते हैं, जल्दी आ, पता भी चलेगा। तू झांक रहा था? हाँ हाँ। कब से? अभी एक घंटा हुआ है। एक घंटे से झांक रहा? चल चल चल, मैं आ रहा हूँ। चल जल्दी आना, देख बड़े पैसे होंगे इनके घर में। बड़े पैसे? यार बड़ों का क्या करेंगे, हमें तो इतने पैसे चाहिए ना जितने। ओए होए, तेरी हुई सोच ना लियारी वाली, चल बाहर निकल डिफेंस में। अरे तो पैसे अगर साइज में बड़े होंगे तो बैग कितना बड़ा लाना है? बैग छोड़, बैग मेरे घर में है ना। कौन सा बड़ा वाला बैग है? अरे हाँ संदूक है यार, क्या तुम्हें दिमाग खराब है? मैं समझ गया, समझ गया। चल जल्दी जल्दी, समझ गया। तू कह रहा है कि बैग जो है वो तेरे पास बड़ा सा संदूक है जिसमें बड़े साइज के पैसे मिलेंगे हमें। अरे यार कहाँ मैं फंस गया यार, कैसा मेरा अजीब दोस्त है। चल ठीक है, फोन रख, जल्दी आ। तो आना ही नहीं आना है, ये तो बता के जाते। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? पुलिस आगे, चलो अंदर, और मोबाइल में बैठो दोनों। ऐसे चोर होना तो घर वाले बोलेंगे बेटा ये लो रोटी। मजा साहब के लिए तालियां लेते हैं, सना के लिए भी। देखिए एक जगह आप खड़े होके कुछ नहीं हो सकता। नहीं लेकिन होता तो बहुत कुछ। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो एक्टर होते हैं ना, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपको दाद देता हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे आपके अंदर से मर्द नजर आ रहा था, मर्द। आज ये ऑन कैमरा बात चली गई, देख रहे हैं आप लोगों ने इतना कोई मुझे सनाउल्लाह कह कह कर किया है ना, अब मैं क्या करूं अंदर सीरियसली। क्या आपको लड़का कहा जा रहा है? नहीं, बहुत सर ये तो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि देखिए एक लड़की होकर उन्होंने मेल का कैरेक्टर प्ले किया, तो दादाजी बहुत अच्छा किया। नहीं मज़र साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे शो पे आए, और माशाल्लाह से आपका आपने इतना ऑलरेडी काम किया, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह वो भी कामयाब हों। ब्रेक का वक्त हो गया है, थैंक यू वंस अगेन, एंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी कितने अच्छे हमारे पास एक्टर भी थे और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एंटरटेन भी किया, सना ने भी किया, हमें तो पता ही नहीं था कि सना के अंदर भी एक गुंडा छुपा हुआ है। और गुंडे वाली बात कैसे उन्होंने की, बहुत मज़ा आया, बहुत एंटरटेन किया, मतलब माशाल्लाह से। वाकई नहीं पता था कि सना भी बहुत अच्छी एक्टर है। या एग्जैक्टली, पता नहीं, मुझे लगता है आप लोगों का बड़कपन है जो आप लोग मुझे अच्छा। नहीं नहीं, आप एक्टिंग स्टार्ट करते हैं, एक्टिंग मतलब मैं बेरोजगार नहीं मरूंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं, 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 नहीं क्या बात किया आपने, बेरोजगार तो कोई नहीं मरता, भूखा कोई नहीं मरता, अल्लाह ने वादा किया रिस्क देने का, लेकिन एक आश होना चाहिए। स्टोरी ऑलराइट, मैं
गुड न्यूज की ही बात करूंगी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा मैं गुड न्यूज लाती हूँ। yes. आज एक और छोटी सी, छोटी नहीं बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, मुझे लगता है क्रिकेट फैंस के लिए नहीं, स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन रमीज राजा साहब ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने बताया है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 में खेला जाएगा, पाकिस्तान में खेला जाएगा। वाओ, सो वू, वाओ, यस। सो पाकिस्तान जो है वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो खुद होस्ट कर रहा होगा। इट्स वेरी अमेजिंग, अमेजिंग। इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी आएंगे टूर्नामेंट में, तो सभी आ रहे हैं। आईसीसी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इंडिया तो कंपलसरी है खेलना मैच विद पाकिस्तान, लेकिन उनके यहां आना वो तो बात की बात है, अभी तो दूर है 2025, अभी हालात का नहीं पता, हमारे रिलेशंस का नहीं पता, बट रमीज राजा एलियंस भी तो आ रहे हैं, एलियंस भी आ रहे हैं। 2017 में आपको याद होगा यूनस के ट्रॉफी हम लोग जीते थे, चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीते थे, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पाकिस्तान में हमें हॉस्पिटैलिटी का मौका मिलेगा, और हम लोग आई मीन दूसरी पूरी दुनिया में हम बता सकेंगे कि हम लोग, हमारा जो कंट्री है वो कितना सेफ है। यूनस, आपको याद होगा कि टेररिज्म की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारा मुल्क बदनाम हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, बट ये हमारा अब ये टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज़ के ऊपर अपने मुल्क को जो है वो सेफ करके दिखाएं और लोगों को बताएं कि हमारा मुल्क कितना सेफ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपको बता दूं, रमीज राजा साहब द पीसीबी चेयरमैन, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, व्हाट अ लीडर। एक उनकी वीडियो वायरल हुई है, इफ़ यू हैव सीन इट, कि वो प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के फाइनल जो हुआ है उधर बात कर रहे थे पाकिस्तान से, एंड कोई दूसरे मीडिया वाले थे तो वो, या ग्राउंड वाले थे कोई भी, वो पता नहीं कौन थे, तो वो कहते हैं आप यहाँ से मूव करें, तो ही वॉज लाइक वेट, गिव मी टू मिनट्स, आई एम टॉकिंग टू द प्रेस ऑफ पाकिस्तान, सो वेट, यू हैव टू वेट। एंड व्हाट अ लीडर, मतलब ये एटीट्यूड जरूरी है। इट वॉज द ओनली टीम हु वॉज अनडिफीटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप। सेकेंडली, अब पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हमारी टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो एक ऐसा यूनिट बन चुका है जो आप 90s में एग्जांपल देते थे, आपके पास ओपनर्स सही हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर अच्छा है, आपके पास ओपनिंग जो बॉलर्स हैं जो ओपन स्पेल करते हैं फंटास्टिक, मतलब शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, एंड देन वी हैव स्पिनर्स, एंड माशाल्लाह से माशाल्लाह आर टीम आर बैक इन 90s। अगर कोई 90s का फैन होगा तो उसको आइडिया होगा कि वसीम अकरम वाली जो टीम थी, शोएब अख्तर वाली जो टीम थी, उस लेवल के आ रहे, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। अभी बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज आ रही है, हमारे दो टेस्ट मैचेस भी हैं, वन डेज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वन डेज हैं कि नहीं है, बट ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश में क्या होता है, ये क्या करते हैं, बांग्लादेश बड़े तेज है, उनका क्रिकेट बोर्ड, वो बड़ी बड़ी टीम को मंगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, न्यूजीलैंड को बुलाया, और ऐसी स्पिनिंग पिच बना देते हैं कि उनसे बैटिंग ही नहीं होती। अभी जी ऑस्ट्रेलिया से जीते और न्यूजीलैंड से जीते थे बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड एक मैच भी नहीं जीत पाए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, कैन यू इमेजिन दैट। जी अच्छा यूनस, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे होम ग्राउंड में ये चीज होगी तो यहाँ पर इकोनॉमी में कितना बूस्ट आएगा। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा उर्शिया, के जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो दुनिया से टूरिज्म, जो टूरिस्ट आएंगे टू वॉच द मैच, अपने अपने कंट्री को सपोर्ट करने, वो ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी, फिर टिकट्स हैं, फिर प्रमोशंस है, फिर वो ब्रांड्स की जो है स्पॉन्सरशिप है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद पैसिव टाइम, वो देखें जो हम टेररिस्ट कैंप पे एक स्टैंप लगाया था वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें कोई टेररिस्ट नहीं बोल सकता, बिकॉज वी आर अ पीस लविंग नेशन। देखिए, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत डिसहार्ट हुए थे कि जब न्यूजीलैंड की टीम बिना खेले चली गई, तो ये बात क्रिकेट लवर्स की नहीं है, ये बात मुल्क की बका और मुल्क की इज्जत की भी है ना, क्योंकि वी लव आवर कंट्री, और ये बार बार हम कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी, और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, हम तो प्राउड मूवमेंट, हमारे पास वो प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब दूसरे मुल्क हमसे कनेक्ट हो रहे हैं पीस के लिए। वो अफगानिस्तान के किस्से में सबने देख लिया, ठीक है, कि हम क्या रोल प्ले करते हैं, हम टेररिस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम इंसानियत को बहुत सपोर्ट करते हैं। बात है क्रिकेट की, अभी भी हम बहुत खुश हैं
और यकीनन आपकी इस न्यूज़ से जो क्रिकेट लवर्स हैं और सारे लोग हैं वो ज़्यादा जोश और वलवले में कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ कि अपना काम जो है वो और ज़्यादा तेज़ कर देगी, क्योंकि सिर्फ बुलाना नहीं होता, मेहमान नवाजी होती है, फिर सिक्योरिटी होती exactly. है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं होटल्स की, बिरयानी का बिल आता है बिल्कुल. तो इस तरह से इमरान खान साहब भी, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी अपना बहुत अहम किरदार और तमाम जमातें बहुत अहम किरदार वो करती हैं, क्योंकि ये बात खेल की मैदान की नहीं है, ये बात है कि आप वाकई साबित कर दें कि यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, यहाँ पर सारे क्रिकेटर सेफ हैं. और हम चाहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि न्यूजीलैंड जैसे वापस गई थी कोई भी रीज़न देकर, इंडिया के कहने पर मोदी साहब ने बहुत उनको कॉल्स की थी और सारी चीज़ें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. और इंडियंस को भी हम दिखाएंगे कि बहुत अच्छे मेहमान नवाजे, और आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसे कहते हैं प्यार. कायनात, इसमें छोटी सी बात ऐड करूँगी, फिर आप दोनों का ओपिनियन जो भी होगा आप प्लीज़ बताइएगा, कि जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं या शादी होती है तो फैमिली क्या कहती है, कहती है कि जो खैर खैरियत से सारे काम हो जाए, निपट जाए. तो मुझे लगता है कि अब ये टीम को जो है वो अब ये चीज़ लगी हुई है कि नहीं, हम लोगों को जो है वो खैर खैरियत से जो भी आ रही है टीम, और उनको जो है वो सपोर्ट करके वो सारी चीज़ें जो है वो वापस चले जाएँ. सो पाकिस्तान सेफ ना हो. इमरान खान ने अभी अपने करंट स्टेटमेंट में ये बात कही है कि 5 साल जो उनको अपना दौरानिया मिला है, ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी कारगर्दगी करके जाऊंगा कि जो वो टीम जो मेरे ऑपोजिट थी, जो मेरे ऑपोजिशन में खड़े थे, वो दफन हो जाएंगे मेरी परफॉर्मेंस देख के. और बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, मैं सहमत हूँ 100% उनकी इस बात से. मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई कुछ ही साल में, जैसे कि होता है ना कि हमारे यहाँ के लोग जल्दी में बहुत हैं, उन्हें हर चीज़ ना इंस्टेंटली चाहिए, फ़ौरन हो जाए, तो फ़ौरन कुछ नहीं होता, अगर फ़ौरन होगा तो टिकेगा नहीं ज़्यादा अर्से के लिए. तो ज़्यादा बेहतर चीज़ वही होती है कि उस पर थोड़ा काम अभी काम वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी. और ये जो आप क्रिकेट के हवाले से बात करिए, इकॉनमी बूस्ट होगी, टूरिज्म को ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, ये तो ऑब्वियसली ये मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब हमारे यहाँ पे मैच होता है और दूसरे मुल्क से टीम्स आती हैं और वो जो आपस में यूनाइट होते हैं, इससे आपस में दोस्ती भी बढ़ती है, और ये कि हमारा मुल्क तो ऑब्वियसली पीस को ही प्रमोट करता है. और ये हमारे बारे में एक बात बताऊँ आपको, ये हमारे मुल्क को खामखा बदनाम किया जाता है. जितने भी इस दुनिया में बुरी चीज़ें होती हैं या हादसे होते हैं, टेररिज्म से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, चोरी चकारी हो गई, रेप हो गया, गुर्बत हो गई, ये पाकिस्तान में इसकी रेशो सबसे कम है, बाकी ममालिक में ये सबसे ज़्यादा है. क्योंकि हर जहाँ पे मैं दुबई की बात करूँ या इंग्लैंड की बात करूँ, कहीं की भी बात करूँ, वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों हैं. तो अगर हम बोलें कि हम ये मुल्क छोड़ के, बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग हैं, मैं जानती हूँ, बाहर जाना चाहते हैं कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा है. अरे भाई, बाहर उससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है. तो प्लीज़ जहाँ आप रह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझें और उसका साथ दें, और जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस सरजमीन पर आप पैदा हुए, उसको आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करें. क्योंकि एक सारा अली खान ने भी कहा था कि मैं तो पाकिस्तान में रहने ही नहीं चाहती, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, और लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, तो आप क्यों पहली फुर्सत में जाए. देखें, यहाँ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनी सुनाई बात है, कि आप रेड लाइट भी तोड़ के क्रॉस करेंगे और 100 रुपये दे के आप बच जाएंगे, वहाँ पर आपको 800 धरम 1600 पाउंड्स का वो है. ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ नहीं तोड़ा करें आप, ये गलत है. सनाफ क्या कहना चाहोगे? अगर हमारी क्रिकेट पर बात हो गई तो मैं एक और भी न्यूज लेकर आई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी. तो कायनात ने भी कहा और इसके अलावा उर्शिया ने भी इतनी अच्छी बात कही, वो ये कही कि 2025 में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी अब यहाँ पर खेली जाएगी, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी होंगे और बहुत सारे टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर होंगे. लेकिन अभी गुड न्यूज ये है सबके लिए, आज मैं भी एक छोटी सी गुड न्यूज लेकर आई हूँ, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो सर्द जंग बड़े अरसे से जारी है, और ये क्रिकेट में भी जो सर्द जंग रही है, उसके बाद ये एक बहुत अच्छा जो इंडिया की जो हुकूमत है उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया, वो ये है कि करतारपुर राहदारी के दरवाजे जो है वो 19 नवंबर से जो है वो बाकायदा खोले जाएंगे, जिसमें जो है प्रकाश उत्सव के मौके पर, जो कि बाबा गुरु नानक के जो है वो एक उत्सव है, उसके मौके पर जो है वो 19 नवंबर से बाकायदा करतारपुर राहदारी के दरवाजे खोले जाएंगे, जिसमें तमाम तरह हमारी जो सिख ब्रादरी है, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में एक सिख कम्युनिटी हमारे पास यहाँ रहती है, और दूसरा जो है वो इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है. तो मैं आपको बताऊं कि अब जो सिख कम्युनिटी है हमारी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जानबी जो है वो यहाँ पर रह रही है, अब बाकायदा जो है वो बाबा गुरु नानक साहब के जो है वो यहाँ पर आकर, गुरुद्वारे में यहाँ पर आकर माथा टेक सकते हैं, अपनी इबादत गाह में आ सकते हैं. और ये एक बहुत 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 अच्छा जो है वो फैसला किया गया है इंडिया की तरफ से भी, भारत
भारत की तरफ से हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम हर फैसले को जो है वो अगर कोई अच्छा फैसला हो तो हम उसको सराहें। तो आप सब जो हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारा दिल आप ही हैं, हमारी जान आप ही है, हम कभी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ नहीं होते। हमारी माइनॉरिटी एक एक इंसान जो पाकिस्तान में बसता है वो सब पाकिस्तानी है। इस बात पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन सना, ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद एंटरटेनर जो अनम को एंटरटेन करेगा, कायनात को एंटरटेन करेगा, सना को एंटरटेन करेगा, उर्शिया को एंटरटेन करेगा, मुझे एंटरटेन करेगा, आवाम को एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। आँख है अभी नम जरा सी, जिंदगी ढूंढे वजह सी रे, एहसास हो फिर तेरा गंबर दे, जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे। मेरे लफ्ज तू ही जान भी, मेरा इश्क पे ईमान भी, सजदे करे इंसान ही, टिके तुझ में फिर जान भी, जितना बुलाए उतना रुलाए, हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे, जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, वाओ। आई मीन सीरियसली, क्या गाना आपने गाया है, बहुत अमेजिंग गाना, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी और बहुत अच्छे लिरिक्स थे आपके। मैं वेलकम करवाती हूँ, हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत सिंगर आज मौजूद है, मोहम्मद शाहरुख यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारी तालियों के साथ आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शाहरुख कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक है। वैसे आप क्या करते हैं, आई मीन जॉब वगैरह करते हैं? फोटोग्राफी। ये बताएं कि आप तो फोटोग्राफर भी हैं। अच्छा, सिंगिंग को कहाँ देख रहे हैं आप? अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया है आपने, या आगे जो है वो किस तरह से कंटिन्यू करना है? सिंगिंग को कंटिन्यू इस तरह से करेंगे जैसे पहले अपना इस तरफ जो हमारा इस तरफ फोटोग्राफी वगैरह इससे थोड़ा डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद। नहीं तो मतलब आप सिंगिंग को सेकंड ऑप्शन की तरफ देखते हैं? मतलब नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, आप अगर फोटोग्राफी का हो जाए एंड देन सिंगिंग। फोटोग्राफी मतलब ये कि साथ में लेके चलना होता है। अच्छा, मतलब ओके, फाइनेंशियल आपका जो सपोर्ट है वो फोटोग्राफी है और सिंगिंग आपका पैशन है, आपका शौक है। और एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं। एक्टिंग भी करते हैं आप? ऑलराउंडर। वाओ, उन्होंने डांस भी किया है। अच्छा, तो फैमिली आपको सपोर्ट करती है? I mean, जी, डांस करने पे। नो 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 नो, सिंगिंग के लिए, वो सिंगिंग की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कि शायद सिंगिंग पे कुछ होते हैं ना कि घर में एतराज करते हैं, तो इसलिए डांस पे भी करते हैं वो। एतराज करने वाले तो हर चीज पे एतराज करते हैं। नहीं नहीं, एतराज कोई नहीं, एतराज नहीं करते, सपोर्ट करते हैं ना आपको? जी, सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हम पूरी एक लाइन का सवाल पूछते हैं आपसे, इतना सा बताते हैं, आप कम बात करते हैं? नॉर्मल बात करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ कभी आपने परफॉर्मेंसेस की हैं डिफरेंट शोज में, कभी आपने लाइव गाना गाया हो, आपके गाना सुन के, आवाज सुन के कि कोई लड़की रो गई हो, उसके आंखों में आंसू आ गए हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा आज हुआ ना? जैसे आज हुआ है। आज हुआ है? कैसे, कहाँ पर? आपकी आवाज में क्या दर्द है? ये दर्द बस जिसको होता है वही। इसके लिए दर्द तक जाना जरूरी है। इन्होंने पता कैसे कर, जो दर्द होता है तो जो अंदर हो रहा है कमर का दर्द तो नहीं है। पता है, मीर साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, वो ये है कि लोग इश्क को बहुत तरीकों से डिफाइन करते हैं। इश्क वो होता है जो आपकी हड्डियों तक को गला दे, उसे हम कहते हैं, उसे इश्क कहते हैं। अच्छा, इश्क के अलावा मैं सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि व्हाट्स योर एज? 25।
25 है. अच्छा 25 का है. क्योंकि समथिंग क्या होता है कि आप बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं कि आप में ये टैलेंट है और आपने इस करियर में जाना है. आपने फॉर एग्जांपल सिंगिंग का सोचा, फोटोग्राफी का सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं फाइनली तब आप डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे असल में करना क्या. तो इसी तरह आपका जो फैमिली है, आपने कहा कि वो सपोर्ट करती है, राइट? आपके फ्रेंड्स आपकी सिंगिंग को सपोर्ट करते हैं या आपकी सिंगिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं या आपकी जो खींची हुई पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफी की जो पिक्चर्स हैं उसको? ज़्यादातर सिंगिंग को. वाओ दैट्स अमेजिंग. अच्छा आप एक्टर भी हैं, तो एक अगर सिचुएशन हम दें तो आप एक्ट करेंगे अभी अगर हो गया तो? अच्छा फोटोग्राफी आप कब से कर रहे हैं? फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ 2015 से. 2015 से. आप पहले सिंगर बने हैं पहले फोटोग्राफर बने हैं? पहले तो मैं डांसर बना था. उसके बाद के डिफरेंट डिफरेंट ये गॉड गिफ्टेड है. डांसिंग गॉड गिफ्टेड है एंड फोटोग्राफी और सिंगिंग? नहीं मैंने किसी से सीखा नहीं. आपने कुछ भी नहीं सीखा? सेल्फ टॉट है आप? लेकिन पता है आपके सुर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर आगे सिंगिंग को कंटिन्यू करना है ना तो आप किसी अच्छे से इदारे में एडमिशन भी लें, क्योंकि आपकी ना सुर देखिए ये ऐसी चीज है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जितना सीखेंगे ना उतना आपके लिए कम है. कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सीखने के अमल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे. बैक टू द पॉइंट, आपको एक सिचुएशन देते हैं. सिचुएशन कुछ इस तरह से है आपकी के उर्शिया, आज मैं उर्शिया को बनाऊंगी. हमारी उर्शिया अभी तक जो है वो एक्टिंग से बची हुई है. अनम ने कर ली, कायनात ने कर ली, यूनुस ने कर ली, आज मैंने भी कर ली. तो उर्शिया को आज हम सिचुएशन देते हैं. उर्शिया वो मौसी है जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसी है कि चलाक चलाक मौसी है. चलाक मौसी है. चले पुप्पी बना देते हैं, पुप्पी बना देते हैं. यूनिस की विश पर हमने उर्शिया को जो है वो पुप्पी बना दिया. बहुत चालाक पुप्पी है. तो आपने ये करना है, आप कमाते हैं बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपको उर्शिया जो है वो एक रुपया नहीं देती चाय पीने के लिए भी. तो अब आपने इनसे जो है रिक्वेस्ट करनी है कि पैसे दे दे मुझे. चले जी सही. जी पप्पो, दरअसल मुझे बैलेंस डलवाना है और कॉल करनी है पप्पा को. तो पप्पा सामान वगैरह लेकर आ जाएंगे. तो ये कि आजकल बैलेंस वगैरह में कुछ ज़्यादा ही जो है टैक्स लग रहा है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी? तेरी उम्र ही क्या है जो कि तुम मुझसे रोज़ रोज़ पैसे मांगता है. हाँ तो मुझे एक बात बता, पैसे जो हैं वो पेड़ पे लगते हैं, सारी मेहनत मैं करती हूँ और तेरे जो तेरे खर्चे हैं वो मैं कैसे पूरे करूँ बता? पप्पा भी तो करते होंगे आपके ऊपर. पप्पा तेरे जो है ना मैं कमा के देती हूँ, पप्पा तेरा घर पे बैठता है. तो अब बता मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँ? तो क्या करूँ, मुझे इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, किसी और को दे देते. तो इसीलिए तो आप अब बड़े हो गए हो, अब आप काम करो और मुझे भी सुकून दो ताकि मैं भी घर में बैठ के सुकून से टीवी देख सकूं, ड्रामे देख सकूं. चलें काम के लिए ही दे दें. किसी कौन से काम करना है तूने? तूने अपनी गर्लफ्रेंडों को कॉल ही करना, और क्या करना है तूने? गर्लफ्रेंडों? यस, एक नहीं होगी, चार पांच तूने रखी होंगी, इसीलिए तो रोज पैसे मांगता है मुझसे. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पप्पा से ही बात करनी है. क्या पप्पा से बात करनी है? मुझे बता, मैं तेरी बात करवा देती हूँ. मेरे फोन में बैलेंस है, जल्दी आ जा. पैकेज हो जाता है ना, फिर आपको पता है कि बैलेंस आएगा. कोई बात नहीं, आज मैं तेरी खातिर जो है ना बैलेंस भी उड़वा दूंगी, तू आ जा. बहुत सारी तालियां मोहम्मद शाहरुख के लिए. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे. आई होप मैंने अच्छी एक्टिंग नहीं की. आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की. आई होप आई वांट टू से कि इतना इंस्टेंट डायलॉग फेंकना ये भी बहुत कमाल की बात है. क्या हो गया? फौरन ज़हन में आ रही होती ना इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से सीन आप लोगों ने क्रिएट. शाहरुख 5 साल यहाँ से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? काम को, काम के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से कहाँ देखते हैं? सिंगिंग के हवाले से तो मैं देखता हूँ कि कॉन्सर्ट्स वगैरह. वाओ वेरी नाइस. फोटोग्राफी के हवाले से कि अपना स्टूडियो. अच्छी बात है. अच्छा शाहरुख, मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि प्ले एंटरटेनमेंट का जो ये शो है गपशप, वैसे तो खैर कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं तो हमारे ऑडियंस को भी पता है, लेकिन आपको किसने रेकमेंड किया या बताया? मुझे दरअसल किया था सुफियान भाई. अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं जी कौन है सुफियान.
मतलब आपके किसी कजिन ने या फ्रेंड ने? फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, अगर सुफियान के हवाले से थोड़ी बात हो रही है, हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है वो नंबर्स मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद है, आप फेसबुक पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ये सब देखने के लिए सुफियान भी मौजूद है। तो इसलिए जो है वो आप हमसे रब्ता करें। सुफियान बहुत अच्छी जो है वो जॉब कर रहा है, सीरियसली, जिस तरह से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है सिंगर्स की, बदीन से आ रहे हैं लोग, मतलब ठट्ठा से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी पूरी टीम बहुत एफर्ट कर रही है। तो हमारी टीम के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर मौजूद है, हमें भी कोई डायरेक्शन मिल रही होती है, लेकिन हमारे एक एक बात पर, एक एक चीज पर आपको पता ही नहीं, आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी मेहनत से हमारी जो पूरी टीम है वो हमें यहाँ पर अच्छा दिखा रही है, कंटेंट ला रही है। सना, मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आप ड्रेस देखते हैं ना तो उसमें मेहनत देखा करें कि उसमें मेहनत कितनी लगती है। लेट सपोज आप कोई फेरी टेल वाला कोई ड्रेस देखते हैं और आप देखते हैं वाओ यार क्या ड्रेस है, मगर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, क्या डिजाइनिंग होती है, वो पता नहीं होता ना। तो इसलिए हमारी जो टीम है माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी है, तो उसके लिए एक क्लैप बनती है प्लीज। उषा, जैसे कि ये तो खुद फोटोग्राफर है और इनको तो यकीनन पता होगा कि चाहे वेडिंग की आप फोटोग्राफी करते हो या मॉडल्स की आप फैशन शूट्स करते हो, जब मॉडल जाके खड़ी होती है ना तो उसको हर चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल उसको ड्रेस है, हील्स है, मेकअप है, तो हम लोग स्क्रीन के लिए काम करते हैं और हमें अप्रिशिएट करने वाली हमारी ऑडियंस होती है जब वो हमारी लाइक्स करती है पिक्चर्स, लेकिन जो ऑफ कैमरा पीछे बैठ के काम करते हैं, चाहे वो हमारे डीओपी हो या फिर हमारे डायरेक्टर सर हो या फिर कोई भी कंटेंट हेड हो, उनकी एफर्ट ही हमें इतना खूबसूरत दिखाती है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही थी कि इस चीज़ में जो आपने कहा, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है, उस चीज़ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि फोटोग्राफी ज़्यादा मुश्किल काम है या लोगों के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से गाना, क्योंकि देखिए गा आप रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग आपको तनकीद भी करते होंगे कि ये क्या गाया है, आवाज़ देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तनकीद करने वाले हर चीज़ पे करते हैं, क्या ही बाकी ये कि आप अपना हर चीज़ कैरी ऑन रखें और जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, चाहे वो फैशन में और क्रिटिसाइज को भी पॉजिटिव वे में देखें, वो जो भी उनका है वो लोग अलग होते हैं। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव काम भी हो रहा होता है ना तो उसमें भी लोग जो हैं वो बातें ही करते हैं, तो इंसान को अपने गोल्स जो हैं वो सेट करके रखने चाहिए, कुछ नहीं करते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, क्या ही बात है। सही बात, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लेकिन इसी साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ सिंगिंग का टैलेंट नहीं है, एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे टैलेंट होते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं प्ले एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना और हमें दिखाना, तो प्लीज़ आपके लिए हम सब दिल से तहे दिल से आपको वार्म वेलकम करते हैं। और कहीं हेलो लोग कह रहे हैं कि ब्रेक का टाइम हो गया। साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, इंशाल्लाह फिर से आपको तकलीफ देंगे। ब्रेक का टाइम हो रहा है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और आज हमने स्टार्ट में ये बात कही थी कि आज बहुत सारी न्यूज़ है जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपको एंटरटेन करने वाले हैं। तो हमने अपना ये सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज हमारे यहाँ सिंगर भी आ गया, एक्टर भी आ गया, तो बस आपका काम ख़त्म हो गया देखना, लेकिन नहीं, अब हम आपके लिए कुछ इस तरह खबरें लेकर आए हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे हैं वो, और जो हर मुल्क में समंदर पार पाकिस्तानी, उनको भी ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो किस बात का गम है। तो मैं आपको बात बताऊं कि अभी रिसेंटली जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो उनका जो इजलास हो रहा था, तमाम इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हो रहा था, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि अब जितने भी पाकिस्तानी हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो समंदर पार पाकिस्तानी है, उनको भी जो है वो वोट का हक दिया जाएगा, अब वो भी वोट दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने बताया, मुझे ये जानकर पर्सनली बहुत खुशी, वो ये है कि समंदर पार से जितने हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पर बैठे हैं, बहनें वहाँ पर बैठी हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है, जितने पाकिस्तान में मसाइल हैं, हमारी इकनॉमी जो है वो कम है, उसके लिए $30 अरब जो है वो साल में देते हैं, एज रेमिटेंस। यस, मतलब एक साल में जो वो सरमाया उनकी तरफ से आ रहा है, जो उनकी
की तरफ से इनकम आ रही है वो $30 अरब है, जो कि बहुत बड़ी एक रकम है। और आई होप कि ये बिल, क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे बिल जहां पास होते हैं वहां वजीर आजम इमरान खान ने अब ये भी फैसला किया है कि इस तरह का बिल, ये जो कानून है वो पास करेंगे। अभी ये कानून पास नहीं हुआ, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ आपका वजीर आजम कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है तो वो मुमकिन ही नहीं है कि ना हो, ज़रूर उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, उन्होंने सोच समझ कर ही कुछ कहा होगा, क्योंकि हक इतनी बड़ी बात है कि जहाँ $30 अरब वो दे रहे हैं तो उनका भी पाकिस्तान पर हक है पूरा पूरा। आप लोगों को क्या लगता है? पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम में से कोई भी न्यूज़ लेकर आता है तो यकीनन वो पढ़ के आता है, रिसर्च होती है, उसकी एक अपनी रिसर्च होती है, हम पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। मैं इमरान खान साहब को बहुत सारे डिफरेंट शोज में भी बैठ के इब्राहिम हक के साथ भी, ये तो प्रूव है, ऑन कैमरा प्रूव है, मैं कभी भी उस बात से मुकर ही नहीं सकती। मैंने इतना उनको सपोर्ट के जब वो सब मुझसे सवाल पूछे तो मैंने कहा मैं पर्सनली इमरान खान साहब को ही वोट देती हूँ और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये कहते हैं ना कि आपका दोस्त भी हो या आप जिनको पसंद भी करते हो तो उसके अच्छे में तो हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर उससे कोई गलती या कोताही हो तो आप उससे सवाल तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, दोस्ती मोहब्बत। इसी तरह इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है। लेकिन ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको तो बहुत सारे मसले मसाइल पता ही नहीं है मुल्क के, एक चीज़ है, मैं क्योंकि लीडर चूज़ करना है ना, वो भी ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, ठीक है, तो उन्हें तो बहुत सारे मसाइल यहाँ पे नहीं पता, वो उन चीज़ों से नहीं गुजरते जो यहाँ पे एक आम शहरी गुजरता है, एक पाकिस्तानी गुजरता है, तो उन्हें एक लीडर का कैसे पता होगा कि इस लीडर की पार्टी या छोटी छोटी, देखिए न्यूज़ भी अगर कोई फॉलोअप करता होगा ना, पहली बात है जो बाहर रहते हैं वो इतनी बिजी लाइफ होती है कि वो अपनी फैमिली को भी ना टाइम नहीं दे पाते, हर टाइम वो अपना काम ही कर रहे होते हैं, तो न्यूज़ भी कभी कभी आप मिस कर देते हैं या बहुत सारी चीज़ें आप सुनी सुनाई पर यकीन करते हैं। तो आपको नहीं लगता, मतलब मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी और सबका, कि ये एक तरह से इस पाकिस्तानी शहरी के साथ कहीं ना इंसाफी है? मैं इसका सबसे पहले तो जो हमारे भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके हवाले से मैं आपकी बात को बताऊं, जितनी मेरी रिसर्च है कि देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हैं जो कि पाकिस्तान में रहकर एक्सपीरियंस करके यहाँ पर पैदा होकर फिर उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो बैरून मुल्क उनकी एक रिहाइश है, और उनकी ये होता है कि कुछ लोग वहाँ पर होते हैं बैरून मुल्क होते हैं और उनकी जो फैमिलीज होती है वो पाकिस्तान में होती है और वो वहाँ से इनकम भेज रहे होते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये तो मैं कह ही नहीं सकती, जितना मेरी रिसर्च है मैं कह ही नहीं सकती कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है, काम की वजह से, कुछ हालात की वजह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ से वो कमा कर यहाँ पर वो भेज रहे हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि वो वहाँ पर कमा रहे। अच्छा, इसका मैं वेरी शॉर्टली मैं ये भी बताऊँ, गोरों से पैसा लेकर अपने मुल्क भेजो, यही तो हम चाहते हैं, यही तो करें सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी हमारे पाकिस्तानीज हैं ग्रीन पासपोर्ट वाले और वो काम की वजह से बाहर रहते हैं तो उनको फ़ोन पर बात करते बताती होंगे ना कि बेटा बिजली नहीं है, बेटा महंगाई हो गई, तो उनको सारे हालात यहाँ के पते, जैसे आपने बोला कि तो वही लोग वोट कर सकते हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे पले बड़े लेकिन बाहर रहते हैं, तो वो वहाँ से वोटिंग कर सकते हैं ताकि उनको भी ये पूरा पूरा हक हासिल हो कि वो अपने मुल्क का लीडर चूज़ कर सकते हैं और सारी रीज़न सारे फैक्ट्स और फिगर्स जानने के बाद एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अच्छे उन्हें लेफ्ट आउट फील ना हो और ये बेचारे उनकी तरफ से क्या पता फिर से इमरान खान को वोट मिले, क्योंकि मेरे पर्सनली इमरान खान साहब बहुत ही फेवरेट हैं, तो मैं हर दफ़ा उनके फेवर में इसलिए बात करती हूँ। अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इंटरनेट की इतनी अवेयरनेस है और हर चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाती है, जैसे कि सोशल मीडिया में भी हर चीज़ जो है वो आप डालेंगे तो कितने व्यूअर्स और कितनी सारी चीज़ें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो क्लिक हो जाती हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, करंट अफेयर के शोज़ देखते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अवेयरनेस आ जाती है, हर एक चीज़ जो है वो जल्दी स्प्रेड हो जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अच्छी बात है कि आप उनको राइट दे रहे हैं, बिकॉज वो भी एक सिटीजन, ड्यूल सिटीजनशिप है उनके पास, पाकिस्तानी तो हैं वो, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि आपका कोई कज़न या कोई फैमिली जो बाहर रहती है वो आती है पाकिस्तान, आपके पास ठहरते हैं और उनके फिर रिएक्शंस क्या होते हैं, वो कंप्लेन क्या करते हैं, ओह माय गॉड सो गर्मी है एंड तो पानी हो, पूछते हैं इट्स अ मिनरल वाटर ना, ओह माय गॉड कैन यू स्विच ऑन एसी, जिनके पास एसी नहीं चल रहा वो उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं प्लीज स्विच ऑन द एसी, उनको नहीं पता खड़ी गाड़ी में एसी ज्यादा पेट्रोल पीती है, पेट्रोल वैसे महंगा है, बट हैविंग सेड दैट ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो इतना रेमिटेंस देते हैं, डॉलर्स आते हैं, बाहर की करेंसी आती है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मसला यही होता है कि लोग ये कहते हैं कि जब पॉलिटिशियंस आप चूज नहीं कर सकते, यू कांट बी इलेक्टेड एज अ मिनिस्टर एनी एमएनए या एमपीए, आपके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है तो आप पाकिस्तान आ जाए। इसमें एक सिंपल सी बात है, और मेजॉरिटी ऐसा ही होता है
कि आप जिंदगी भर बाहर कमाते हैं लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि हमें जो जमीन है अपनी मौत पे वो अपने मुल्क में मिले। और सबका यही होता है, और जबरदस्ती शादियां भी हो जाती हैं लड़कियों की, वहां से बुला के लाते हैं, हम दूसरी शादी पे जा रहे हैं, वहां पे बच्ची की शादी कर देते हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि उनका भी राइट है। और ग्लोबलाइजेशन, एक वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज थ्रू आवर फोन, थ्रू आवर लैपटॉप, थ्रू फेसबुक, थ्रू एवरीथिंग। तो उनको सबको पता है पाकिस्तान के हालात क्या है, कौन सा ऐसा कोई लॉ पास होता है जिससे पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में हाइप क्रिएट हो जाती है, वो उनको पता चल जाता है। वो अमेरिका में बैठे हुए, वो लंदन में बैठे हुए, वो युगांडा में बैठे हो, यूथोपिया में बैठे हो, पहुंच जाएगी खबर। और ये सबको पता है कौन करप्ट है कौन नहीं है। एनीवे, सारी बातों का एक मकसद है कि अगर वो सिटीजन है पाकिस्तानी, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में, ही और शी हैज द राइट टू वोट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक और बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो फैमिली से भी प्रेशर होता है, इस गवर्नमेंट में हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिली हैं, इसमें ये चीज में बेहतरी आई है, तो हमें ये गवर्नमेंट चाहिए। तो उसके लिए फिर घर वाले भी, यू नो, बाहर बैठे कोई बेटा उनका काम करे या बेटी बाहर काम करे तो वो उसको भी बोल सकते हैं कि आप इन्हीं को वोट करें कि इनकी हुकूमत में हमें चीनी दाल आटा सस्ता मिला या हमारे हालात बेहतर हुए या मुल्क में बहुत सारी चीजों पर काम हो रहे हैं। तो ये भी होता है घर में, क्योंकि मैंने भी, मुझे प्रेशराइज किया गया था, लेकिन मैं खुद भी चाहती थी कि मैं इमरान खान साहब को वोट दूं क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं और हर किसी को एक मौका देना चाहिए, दिया था। अच्छा। तो बाकी हुकूमतों को इतने मौके दिए तो एक उनको भी देना चाहिए था। तो कभी कभी वोट इंसान फैमिली को या बीवी या बेगम या यू नो इस तरह प्रेशर होके भी इंसान वोट। सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप के बाद, लोग नारे मार रहे हैं लेकिन मुझे लगता है अभी नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल बाद क्या पता, बाबर आजम क्या पता, मे बी नॉट, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या बुराई है, एज अ क्रिकेटर उनको इतना प्रेशर होता है मुल्क की बका के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए वो मैदान में खेलते हैं। तो पॉलिटिशियंस जो हैं, जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगी कि जो पॉलिटिशियंस को प्रेशर लेना आता है और उसको पता है कि उसको अपनी आवाम के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, तो वो प्लीज इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उनकी चीजें देख लें। ऑनेस्टली अगर एक बात कहूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत को यहाँ पर लोग नहीं, पाकिस्तानी भी छोड़ दें, बाहर के जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में हाउ नो जानते हैं वो भी पसंद करते हैं, वो कहते हैं व्हाट अ लीडर, एक तो हैंडसम है और ऊपर से बहुत अच्छा है। गले में आ गई ना उनका हैंडसम, उनकी नियत कोई नहीं देखता, बस हैंडसम है, ही इज हैंडसम इज अ बोनस, बट उनकी नियत इज नॉट अ करप्ट मैन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसी बात पे उर्शिया शेयर हो जाए। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, इरशाद है, जब हम नहाते हैं तो करते हैं कपड़े चेंज, जब हम नहाते हैं तो करते हैं कपड़े चेंज, और जब मजदूर अपने पसीने से नहाता है तो करता है इतिहास चेंज। वाह 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 वाह, इसी बात पे अर्ज किया है, इरशाद है, इरशाद। आपका वाला जो मजदूर है वर्ड्स कर रहा है जी, एक मजदूर ने दूसरे मजदूर को पुकारा, उसने कहा मैं आया। एक मजदूर ने दूसरे मजदूर को पुकारा, उसने कहा मैं आया, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, अम्मी ने बुलाया। That's all from our side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.